हेलो एंड वेलकम टू गॉर्जियस जा। उम्मीद है मेरे सभी व्यूवर्स अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनी सेल्फ केयर कर रहे होंगे। आज बात करते हैं बारिश की। बारिश किसको पसंद नहीं होती? बारिश सभी को पसंद रहती है, शायद ही कोई हो जिसे बारिश पसंद ना हो। और बारिश में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन बारिश में एक चीज़ अच्छी नहीं लगती है, बारिश में जो हेयर फॉल होता है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। समझ नहीं आता कि उसके लिए क्या करें। रोज रोज तेल नहीं लगा सकते, रोज रोज शैम्पू नहीं लगा सकते, और बालों का झड़ना है कि बंद नहीं होता है। तो इसके लिए ऐसा क्या करें कि हमें रोज तेल लगाने की जरूरत ना पड़े, शैम्पू करने की जरूरत ना पड़े और हमारा बालों का झड़ना बंद हो जाए। आज मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो ना तेल है, ना सीरम है, ना जेल है, बस एक लिक्विड है जो आपको अपने बालों पर अप्लाई करना है। आपको रोज शैम्पू करने की जरूरत नहीं है और आपका एक भी बाल नहीं गिरेगा। बिलीव मी, आप उस रेमेडी को कुछ दिन फॉलो करेंगे तो आपका हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होगा। आप यहाँ देख रहे हैं, मैं बाल खुले करके बैठी हूँ बरसात के मौसम में भी। ये देखिए मेरा एक भी बाल इस तरह हाथ फेरने से नहीं गिर रहा है, कोई हेयर फॉल नहीं हो रहा है। रेमेडी शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रेमेडी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आपने इस रेमेडी को यूज किया तो आपको इसका क्या इफेक्ट मिला। सब्सक्रिप्शन फ्री है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बात करते हैं रेमेडी की कि ऐसी हमें क्या चीज बनानी है जिससे हमारा एक भी हेयर फॉल ना हो। बहुत ही सिंपल रेमेडी है, आप एक बार बना लेंगे आपके 4-5 दिन के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसी से आपका काम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले 1 चम्मच लौंग, क्लोव। जी बिल्कुल सही सुना आपने, हमें चाहिए क्लोव। क्लोव हम हमारे खाने में यूज करते हैं, क्लोव हमारे दांत में दर्द होता है उसके लिए यूज करते हैं, पर आप जानते हैं कि क्लोव हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए कितना अच्छा होता है। क्लोव हमारे हेयर की जो ग्रोथ है उसे प्रमोट करता है, बालों को शाइन देता है, जो हमारे बाल सफेद होने लगे हैं उसको वो रोकता है, हमारे डैंड्रफ को भी कम करता है क्लोव, क्लीन और सूदन स्कैल्प देता है हमें। तो एक क्लोव के इतने सारे बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो हमारा हेयर फॉल नहीं होने देता, हमारे हेयर फॉल को रोकता है। तो यहाँ हम लेंगे 1 चम्मच क्लोव लौंग। उसके बाद लेंगे हम यहाँ 1 चम्मच चावल, कोई सा भी चावल आप ले लीजिए जो भी आपके घर में हो, 1 चम्मच चावल ले लीजिए। चावल ही क्यों, चावल में होता है एमिनो एसिड जो हमारे हेयर रीजनरेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसमें होता है विटामिन B, C एंड E जो हमारे हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो यहाँ पे हम लेंगे 1 चम्मच चावल, और उसके बाद लेंगे 1 चम्मच कॉफी। कॉफी के तो आपने अपनी स्किन पर बहुत सारे बेनिफिट सुने होंगे, पर कॉफी हमारे हेयर के लिए भी बहुत अच्छी होती है। कॉफी भी हमारे हेयर की जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करती है, जो प्री मैच्योर ग्रेइंग होती है उसको वो कम करती है, हमारे हेयर को शाइन देती है और हमारे बालों को सॉफ्टर बनाती है। तो बस हमें ये 3 चीजें चाहिए। हम 1-1 चम्मच लौंग, चावल और कॉफी लेंगे। आप एक बाउल में 1 चम्मच चावल, 1 चम्मच कॉफी और 1 चम्मच लौंग को ले लीजिए। अब हमें उसमें ऐड करना है 2 कप उबलता हुआ पानी। जी एकदम पानी को अच्छे से उबाल लीजिए 1-2 मिनट के लिए, और उस उबलते हुए पानी को, 2 कप पानी को आप इस मिक्सचर में ऐड कर दीजिए, चम्मच से घोल दीजिए और उसे किसी प्लेट से ढक दीजिए 1/2 घंटे के लिए। बस इतना ही आपको करना है। 1/2 घंटे बाद उस पानी को आप छान लीजिए, उससे लौंग और चावल सब अलग हो जाएगा और हमारे पास मिलेगा सिर्फ एक पानी, और यही पानी हमको हमारे हेयर में यूज करना है, क्योंकि इस पानी से हमें लौंग के, चावल के और कॉफी के, तीनों के बेनिफिट हमारे बालों को मिलेंगे। हमको सिर्फ क्या करना है, सुबह आप उठिए, आप अपने रूटीन का काम जो भी करते हैं कीजिए, आप इस पानी को किसी स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ऐसी स्प्रे बॉटल में इसको भर लिया है, ये खराब नहीं होगा, आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। इतना पानी आपके कम से कम 4-5 दिन इजीली चलेगा। आपके हेयर की कितनी लेंथ है उस पर भी डिपेंड करता है। 4-5 दिन बाद आप इस पानी को फिर से बना लीजिए, बस कंडीशन यही है कि आप इस ट्रीटमेंट को रोकिएगा नहीं। और इन केस अगर आपको क्लोव किसी भी रीजन से सूट नहीं करता है तो प्लीज आप इस रेमेडी को यूज मत कीजिएगा। अदरवाइज इसमें हर चीज नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और इसका आपके बालों पे बहुत ही अच्छा असर होगा, आपको इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट मिलेंगे।
तो आप बस इस पानी को छान लीजिए, ऐसे किसी स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। सुबह आप अपने नहाने के एक घंटा पहले इस पानी से अपने बालों को स्प्रे कर लीजिए और हल्के हाथों से अपने स्कैल्प की मसाज कीजिए एक दो मिनट के लिए। बस इसको छोड़ दीजिए एक घंटे तक, बाकी आप जाके नहा लीजिए। नॉर्मल पानी से सिर्फ बालों को धोना है आपको और कुछ नहीं करना, ना कोई शैम्पू की जरूरत है ना किसी चीज की आपको जरूरत है, खाली पानी से आप इसे धो लीजिए। आप इसे रोज लगाइए, देखिएगा इसके आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। बस एक बहुत ही छोटी सी रेमेडी है, इसका सब सामान हमारे घर में मिल जाएगा, ना हमें किसी खर्चा करने की जरूरत है, ना ही कोई महंगी चीज बाजार से लाने की जरूरत है। बस जरूरत है कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालने की। मैं हर अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपनी सेल्फ केयर कीजिए। एक छोटी सी रेमेडी बना के रख लीजिए, इसको अपने फ्रिज में रख लीजिए, सुबह उठिए लगाइए और इसे धो दीजिए। बस इतना सा काम करना है, आपके बाल नहीं झड़ेंगे। इसका आपके बालों पे बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा, आपके बाल सॉफ्ट होंगे, आपके बालों को शाइन मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, अगर ग्रे हो रहे हैं तो वो भी नहीं होंगे। बस इतना सा काम है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये आप जरूर कीजिएगा। अगर आपको रेमेडी पसंद आए तो रेमेडी को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी के साथ दूसरी रेमेडी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय।